हमारे YouTube चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। रखी है, वक्त कम है कि मैं इस पर तबसरा करूं। अब हमारे दो उम्मीदवार और हैं, और अगर इन दोनों के अलावा भी किसी को कुछ कहना है, कोई कहना चाहता हो यहाँ दो मिनट तीन मिनट में अपनी बात। मौलाना मतीउल्लाह, अच्छा तो मैं जनाब रविंदर साहब, रविंदर कुमार सिंह, और इनको बुलाता हूँ इजहार ख्याल के लिए कि अपनी बात रखें। आप किस मकसद को लेकर आए हैं, क्या करना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि इस महफिल में मुझको बुलाने का आपने काम किया है, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस जो पत्रिका है, ये जो पत्रिका पैगाम नाम से है, इसका आज उद्घाटन जो हुआ है, इसमें मास्टर साहब मतीउल्लाह साहब ने जो घूम घूम करके इंटरव्यू लेने का काम किया, इसको लिखने का काम किया, इसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और इनकी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत से इस काम को करने का काम किया है, और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, और हम लोगों को भी मौका मिला तो इनका सहयोग करने का काम किया जाएगा, इनके साथ कदम से कदम मिला के काम चलने का काम किया जाएगा, इस पत्रिका को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का काम किया जाएगा। और मैं यहाँ पर उपस्थित सदर साहब जो इसकी सदारत कर रहे हैं, डॉक्टर अदनान साहब, डॉक्टर साहिद फजल साहब पत्रकार, डॉक्टर हाजी जहर साहब, रशीद साहब, अफसर साहब, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद मतीउल्लाह साहब, अबू हुरारा यूसुफी साहब, मोहम्मद इरफान भाई, सिराज भाई, सरफराज शायर साहब, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान अल्ताफ प्रधान जी। मैं इन सब का इस महफिल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ, इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग हमारे इस महफिल में आने का काम किए हैं, जिससे इस महफिल बहुत अच्छी तरीके से जमी हुई है और लोग एक एक बात सुनने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये पेपर और ये पत्रिका समाज का आईना होता है, जिसको कोई नहीं दिखाने का काम करता है, वो पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सरकार को और शासन को दिखाने का काम किया जाता है, जिससे सरकार को पता चले कि हमारी खामियां क्या हैं, शासन को पता चले कि हमारी खामियां क्या हैं। इसलिए इसका आगाज हुआ है और इसी माध्यम से लोग अपनी बात शासन और प्रशासन को पहुँचाने का काम करते हैं। मित्रों, ये पूरा घाट कुर्थी जाफरपुर जो फाउनेरिया का ये हुआ है, ईजाद हुआ है चेयरमैन के चुनाव का, तो मैं आपको विश्वास, आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर मुझे मौका दिया, मेरे साथ मोहब्बत का काम किया, तो मैं इस यहाँ पे विकास की नदियाँ बहा दूंगा, आपको कहने का मौका नहीं दूंगा। और मैं ये भी दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि मुझे 5 साल चाहिए, मैं 10 साल नहीं मांग रहा हूँ। मित्रों, मुझे 5 साल दे दीजिए, अगर मेरा काम ठीक नहीं रहेगा तो आप मेरी कापी जांच दीजिएगा, मुझको हटा दीजिएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई रुस्वा नहीं होगा आपसे। मित्रों, अगर आपने मुझे चुनाव जिताने का काम किया, चेयरमैन पद देने का काम किया, तो मैं इंटर कॉलेज, मेरी बिल्डिंग खड़ी है, केवल अध्यापक रखना है और चालू करना है, इंग्लिश मीडियम से 1 से 12 तक पढ़ाई कराने का काम करूंगा, जिसमें दीनी तालीम भी होगी, उसके साथ दीनी तालीम के साथ वो भी पढ़ाई होगी, जिससे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ अगर मेहनत किया जाए तो 150 डॉक्टर, 150 इंजीनियर, 1-2 IAS PCS निकल सकते हैं, और वो जा करके देश में सेवा करने का काम करेंगे, और जिससे हमारे इस कुर्थियाफरपुर टाउन एरिया का नाम आगे बढ़ेगा। दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। मित्रों, स्वास्थ्य के विषय पर यह हमारा कुर्थियाफरपुर नदारद है, मुझको चुनाव जीतने के बाद एम्बुलेंस की सेवा चालू हो जाएगी, बल्कि एक एम्बुलेंस का मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, पहले ही आ जाएगी एम्बुलेंस।
चुनाव के पहले ही एम्बुलेंस आ जाएगी, और उसके बाद जो ये गरीबों की दवा की व्यवस्था है, गरीबों को फ्री में दवा कराने का काम किया जाएगा। यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटलों से बात करके, अगर वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है तो कम कराने का काम किया जाएगा, उसके लिए आदमी रखे जाएंगे, तमाम व्यवस्था की जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात मैं किया हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए फ्री बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था किया जाएगी, किया जाएगा, उसको उसकी फीस नहीं ली जाएगी। और मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ, मकान से निकले रहो, मकान से निकले रहो, हक पे जान देते रहो, नमाजी आए ना आए अजान देते रहो, तुम्हारे हक की गवाही तुम्हीं को करनी है, तुम्हारे हक की गवाही तुम्हीं को करनी है, तुम अपने लहू से जवान देते रहो। मित्रों, एक आध और अगर समय हो तो सुना दो। दवा अगर चाहिए दिल की हमारे पास आओ, दवा अगर चाहिए दिल की हमारे पास आओ, मगर मिलनी कहाँ से है कहाँ आवाज देता है, मगर मिलनी कहाँ से है कहाँ आवाज देता है। तरक्की कुर्थ जाफरपुर की होनी यकीनी है, तरक्की कुर्थ जाफरपुर की होनी यकीनी है, मगर मिलनी कहाँ से है कहाँ आवाज देता है, मगर मिलनी कहाँ से है कहाँ आवाज देता है। नई धरती नया एक आसमान आवाज देता है, नई धरती नया एक आसमान आवाज देता है, नई दुनिया नया हिंदुस्तान आवाज देता है। जरूरत हमको हिंदू और मुस्लिम एकता की है, जरूरत हमको हिंदू मुस्लिम एकता की है, यही इस वक्त का हर नौजवान आवाज देता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद, जय भारत।